और इसालिया खेड़ा के इस भव्य क्रिकेट स्टेडियम के अंदर देश की सबसे बड़ी ग्रामीण क्रिकेट प्रतिभा को आगे बढ़ाने वाली टूर्नामेंट यहां से आज शुरू हुई है। विधायिका नैना चौटाला जी ने उसका शुभारंभ किया और इतनी खुशी का विषय, इतना हर्ष का विषय है कि गाँव के बच्चों को, गाँव के मेरे भाइयों को, नौजवान साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, खेल में आगे बढ़े और नशे से पीछा छूटे, यही एक लक्ष्य है और इसकी शुरुआत ये पहला साल है। इसको आगे बढ़ा करके पूरे हरियाणा में आगे लेकर के जाने का की हमारी सोच है और ना केवल क्रिकेट बल्कि और भी जो ग्रामीण अंचल से जुड़े खेल हैं उन सभी को आगे लेकर के आएंगे इसी तरह के आयोजन के माध्यम से। मगर ये पहला आयोजन है और इतना भव्य आयोजन है और इतनी संख्या में यहाँ पर युवाओं की हाजिरी है, ये दिखाता है कि हरियाणा का यूथ स्पोर्ट्स को लेकर के कितना जागृत है और स्पोर्ट्स को ही वो अपनी पहचान मानता है। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस ये इस खेल के प्रति, खेल की दीवानगी के प्रति और क्रिकेट से हम सब जुड़े हुए हैं उसके प्रति है और मिलजुल करके जो ये, क्योंकि इसके आयोजक भी सभी गाँव के हमारे नौजवान साथी, मैं उनको ढेर सारी बधाई दूंगा कि जैसे शहर के अंदर भी कोई चमचमाते हुए स्टेडियम के अंदर आयोजन किया जाता है उससे भी सुंदर आज ये ग्राउंड लग रहा है। तो मैं बहुत सारी बधाई रिसालिया खेड़ा के और सभी वॉलंटियर साथियों। इसके अंदर 208 टीमें जिला सिरसा की भाग ले रही हैं और 208 ही मैच होंगे और इसके साथ साथ फिर इसका सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो चौटाला गांव के अंदर इसका कराया। कितने दिन का आयोजन होगा ये? इसका जो समापन है वो 15 तारीख को। तो मकसद यही है कि युवाओं को नशे से दूर रखना, बस नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ें, जो हरियाणा की पहचान है हमें उसे और मजबूत करना।